50 मीटर का पोल है और एक मंकी है जो कि इस पोल पर आपका चढ़ रहा है। अब देखिए ये जो पोल है वो ऑयली है, यानी इस पोल पर हमने क्या ऑयल लगा दिया है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जब मंकी फर्स्ट स्टेप में मंकी 3 मीटर अप होता है, 3 मीटर चढ़ता है फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में जैसे ही वो चढ़ने की कोशिश करता है वो आपका ये ऑयली तो है ही, इसकी वजह से वो 2 मीटर डाउन आ जाता है, 2 मीटर डाउन आ जाता है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में जो मंकी है वो 3 मीटर अप जाता है एंड सेकंड स्टेप में वो जो मंकी है वो स्लिप कर जाता है क्योंकि ऑयली है और 2 मीटर डाउन आ जाता है। तो क्या आप मुझे ऐसा बता सकते हैं कि इस 50 मीटर के पोल पर चढ़ने में, इस 50 मीटर के पोल को क्लाइम करने में मंकी को कितने स्टेप्स लगेंगे? ठीक है ना, तो ये पोल आपका ऑयली है, मंकी जो है फर्स्ट स्टेप में 3 मीटर अप जाता है और सेकंड स्टेप में ऑयली होने की वजह से 2 मीटर डाउन आ जाता है, तो कितने स्टेप्स मंकी को लगेंगे ऊपर तक जाने में? और इस फैशन में आपका जाता रहता है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में 3 मीटर अप, सेकंड स्टेप में 2 मीटर डाउन, थर्ड स्टेप में फिर 3 मीटर अप, फोर्थ स्टेप में फिर 2 मीटर डाउन, फिर फिफ्थ स्टेप में फिर 3 मीटर अप, सिक्स स्टेप में फिर 2 मीटर डाउन। तो इस तरीके से ये इसी पैटर्न में अप एंड डाउन होता रहता है और आपके वो ऊपर क्लाइम करता रहता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टू स्टेप में मंकी जो ऊपर चढ़ेगा वो 1 मीटर चढ़ेगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट स्टेप में आपका वो 3 मीटर अप हुआ, सेकेंड स्टेप में वो आपका 2 मीटर डाउन हो गया पोल के ऑयली होने की वजह से। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 स्टेप में मंकी 1 मीटर अप गया, 2 स्टेप में मंकी 1 मीटर अप जाएगा। तो क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि मंकी को यहां तक पहुंचने में कितने स्टेप्स लगेंगे? अप जा रहा है यानी 1 मीटर चढ़ने के लिए इसको 2 स्टेप लगेंगे, तो क्या हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि 50 मीटर चढ़ने के लिए इसको 100 स्टेप्स लगेंगे? अगर इसको 1 मीटर चढ़ने के लिए 2 स्टेप लग रहे हैं तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 50 मीटर चढ़ने के लिए 100 स्टेप्स लगेंगे? नहीं बोल सकते हैं, ये आंसर आपका रॉन्ग है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको एक सेफ पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। सेफ पॉइंट देखिए यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक स्टेप में आप 3 मीटर ऊपर जा रहे हैं और दूसरे स्टेप अगले स्टेप में आप 2 मीटर नीचे आ रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है? आपको ऊपर जाना है। तो सेफ पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए कि आप अगर इसमें से 3 मीटर को माइनस कर दें तो आपका सेफ पॉइंट आ जाएगा, 3 मीटर को आप माइनस कर दें, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये अगर जो हाइट है ये आपका 47 मीटर हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बार मंकी इस 47 हाइट पर आ गया, एक बार मंकी इस 47 वाली हाइट पर आ जाएगा देन नेक्स्ट स्टेप में वो आपका 3 मीटर अप चली जाएगा, ठीक है ना। तो फिर वो फिसलेगा तो है ही नहीं, क्योंकि फिर अगला स्टेप उसको लगेगा ही नहीं। अगर एक बार मंकी यहाँ पर आ गया, इस 47 मीटर पर आ गया, इस 47 मीटर वाली हाइट पर आ गया, देन अगले स्टेप में वो 3 मीटर आपका क्लाइम कर लेगा, क्योंकि एक स्टेप में वो कितना ऊपर जा रहा है, 3 मीटर जा रहा है, देन अगले स्टेप में वो 3 मीटर जैसे ही ऊपर जाएगा तो वो के टॉप पर आ चुका होगा, तो फिर उसको आगे क्लाइम ही नहीं करना है, उसको आगे थोड़ी चढ़ना है, तो नेक्स्ट स्टेप वो लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेफ पॉइंट। तो आप केवल यहां तक कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट तक आपको कैलकुलेशन करना है, इसके ऊपर की आपको नहीं करना है, क्योंकि एक बार अगर वो इस पॉइंट पर आ गया मंकी देन आपको केवल एक स्टेप और लगेगा और वो आपका यहां पर पहुंच जाएगा। तो देखिए 1 मीटर चढ़ने में उसको 2 स्टेप लग रहे थे, तो 47 मीटर उसको चढ़ने में आपको स्टेप्स लगेंगे, 47 × 2 = 94, यानी 94 स्टेप्स लग जाएंगे यहां तक चढ़ने में, प्लस एक स्टेप और लगेगा यहां तक पहुंचने में, यानी हमेशा बोल सकते हैं कि मंकी को यहां तक पहुंचने में टोटल 95 स्टेप्स लगेंगे। तो आंसर हो जाएगा 95 न कि 100।